हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे वर्मसली, वो भी चटपटी। बहुत ही अच्छी बनती है वर्मसली। आप मार्केट में से ले सकते हैं, बैम्बिनो की वर्मसली ले सकते हैं, नहीं तो लूज भी बहुत सारी बाजार में मिलती है। तो सबसे पहले अगर आपने रोस्टेड वर्मसली नहीं ली है तो आपको क्या करना है, इनको रोस्ट करना है यानी भूनना है। तो बस धीरे धीरे गैस चला कर इन्हें अच्छे से इनको लाइट ब्राउन करना है। चलाते चलाते इनको भूनना है। और देखिए मेरी वर्मसली भुन गई है, अच्छे से भुन गई है बिल्कुल। अब इनको उतार लेते हैं और ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब कढ़ाई में हमें क्या करना है, 2 से 3 बड़े चम्मच तेल लेना है। और जब तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमें डालना है 1/2 चम्मच जीरा। और जीरा जब ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। और आप 3 से 4 बड़ी हरी मिर्च भी काट कर, बीच में से काट कर डाल सकते हैं। बस इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए ब्राउन करना है। और देखिए ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए आलू। और आप ऑप्शनली है, आप आलू डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। फुली ऑप्शनल है आलू डालना, पर बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं। बस अच्छे से मिलाकर इन्हें भूनना है। भूनते भूनते ही हमें डालना है इसके अंदर मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच नमक डालना है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है, हाथों से पिसी हुई है, बहुत स्पाइसी है इसलिए मैं थोड़ा कम डालूंगी। वैसे मसाले हाथों से ही पीसने चाहिए, मार्केट के कम लेने चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसको ढककर रख देते हैं थोड़ी देर। और देखिए बहुत अच्छा हल्दी ने कलर छोड़ दिया है। तो और हल्के से ये पक भी गए हैं आलू। अब हमें इसके अंदर पानी डालना है। 1 कटोरी वर्मिसली लिया है तो 1.5 कटोरी पानी लेना है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इससे क्या होगा हमारी वर्मिसली चिपक सकती है। तो बस अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए और इसे थोड़ी देर ढक के रखेंगे। वैसे तो ये आलू की सब्जी बन गई है, है ना, ऐसे भी खा सकते हैं इसको, पर आज हम वर्मिसली बनाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए बाहर बच्चे नूडल्स बाहर के बहुत पसंद करते हैं। आप लोग इस तरीके से वर्मिसली घर में बनाकर बच्चों को खिलाएं तो बच्चे बाहर की चीज़ें खाना भूल जाएंगे और सेहत के लिए भी अच्छा है घर का खाना, तो आप सभी जानते हैं। तो देखिए बातें करते करते हमारी यहाँ पर ये तरी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वर्मिसली। और ध्यान रखिए जब भी आप वर्मिसली डाल रहे हैं चलाते ज़रूर जाएं। मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं चला नहीं पा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ जैसे आप चलाएंगे नहीं तो आप क्या होगा। ये देखिए ये जो वर्मिसली है वो इकट्ठी इकट्ठी हो जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। तो जब भी आप बनाएं वर्मिसली तो एक हाथ से चलाते रहें और एक हाथ से वर्मिसली डालते रहें। तो बस ये देखिए बस 5 से 7 मिनट में बिल्कुल बन जाएगी। और वर्मिसली में कुछ इस तरीके से आपको पानी डालना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बस इतना पानी होना चाहिए। बस अब इसे आप थोड़ी देर ढक के रखेंगे, 2 से 3 बार चलाएंगे और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और बाहर की चीज़ों से अच्छा है, मेरी आप सबसे विनती है, आप बच्चों को घर में खाना बना के खिलाएं। और बस लीजिए बात करते करते ये वर्मिसली बन गई है, 2 से 3 बार मैंने बीच में चलाई थी इसको। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।